प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में जहां देश के बॉर्डरों पर सरकार कितनी भी फोर्स लगा दे लेकिन बॉर्डरों पर तस्करी के मामले कम होते नहीं दिखते हैं, जिनका कारण कहीं ना कहीं कस्टम विभाग भी हो सकता है, क्योंकि तस्करी का माल छोड़ने के नाम पर पैसे लिए जा रहे हैं। ताज़ा मामला जिला सिद्धार्थनगर का आया है, जो कि भारत व नेपाल के अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर ककहरवा के कस्टम ऑफिस का है, जहां के कस्टम विभाग के अधीक्षक का एक वीडियो जिले में बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो में कस्टम अधीक्षक बॉर्डरों के तस्करों से पैसे लेते कैमरे में कैद हो गए हैं। मामला तस्करी का माल छोड़ने का बताया जा रहा है, जिसमें कस्टम अधिकारी 2,20,000 रुपए लेते वीडियो में साफ देखे जा सकते हैं। वहीं क्षेत्र में वायरल वीडियो से सीमा के फोर्स पर भी सवालिया प्रश्न खड़ा हो रहा है। वहीं मामले में जिले के जिलाधिकारी दीपक मीणा से बात की गई तो उन्होंने बताया कि कस्टम के अधीक्षक का एक वायरल वीडियो का मामला सामने आया है। मामले को उनके विभागीय उच्चाधिकारियों को कार्रवाई के लिए प्रेषित कर दिया गया है। ऐसे में एक बड़ा सवाल उठता है कि बॉर्डरों पर SSB व पुलिस के तस्करी रोकने पर पानी फेर रहे कस्टम विभाग के खिलाफ खोज व कार्रवाई आखिर कब होगी? सिद्धार्थनगर से संवाददाता कमलेश मौर्य की रिपोर्ट। देखिए, अभी आज एक वीडियो वायरल हुआ है जो कस्टम्स के ऑफिसर हैं सीमा चौकी पे, उनका है। तो इस संबंध में जो भी उनके खिलाफ कार्रवाई होनी है उनके उच्च अधिकारियों को इसको प्रेषित कर दिया जाएगा अग्रतर कार्रवाई के लिए। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।